मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने एक बार फिर से ऐसी बात बोल दी जिसके बाद सिंधिया का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो मामला सिंधिया की दुखती रग जैसा। जीतू पटवारी ने एक बार फिर कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का चेहरा नहीं थे, सामूहिक नेतृत्व ही कांग्रेस का चेहरा था। जीतू पटवारी चंबल अंचल के दौरे पर हैं और भिंड जिले में वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, उस समय सिंधिया कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं थी। ये बात बिना वजह ही उड़ाई गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि जैसे मैं पीसीसी अध्यक्ष हूँ लेकिन नेतृत्व सामूहिक है, उस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भी था। सिंधिया के भरोसे या उनके चेहरे पर कांग्रेस ने तब चुनाव नहीं लड़ा था। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद एक बार फिर से सिंधिया की कांग्रेस में स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो सकती है। दरअसल इन सब बातों की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, लेकिन आज भी कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और सरकार बनाने की वजह सिंधिया थी। जीतू पटवारी के अनुसार तब भी सफलता की मुख्य वजह कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व था। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि ना तो मोहन यादव और ना ही शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के दुश्मन हैं, वे हमारे भी सीएम हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनाव लड़ाया शिवराज सिंह चौहान को आगे कर। उनके कई दावों को लेकर चुनावी मैदान में गए, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सारे मसले सुलझ जाएंगे और सामूहिक रूप से बीजेपी के खिलाफ देश में चुनाव लड़ा जाएगा।